नमस्कार, YouTube चैनल Anuniverse Study में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बैटरी इग्निशन सिस्टम और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले अगर हम देखें बैटरी इग्निशन सिस्टम में जो कंपोनेंट्स होते हैं, बैटरी, इग्निशन कोयल, कैपेसिटर, कॉन्टैक्ट ब्रेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, कनेक्टर, इलेक्ट्रिक आर्क, स्पार्क प्लग, तो यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स हैं मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में, इन सभी को रिप्लेस कर दिया गया है सिवाय स्पार्क प्लग के। बाकी सभी कंपोनेंट्स को चेंज कर दिया गया है। जैसे देखें आप, इग्निशन स्विच, कॉन्टैक्ट ब्रेकर, मैग्नेटो कोयल, पावर जनरेशन मैग्नेटो यूनिट, स्पार्क जनरेशन, कंडेंसर, कॉन्टैक्ट ब्रेकर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रोटर आर्म, तो यह है इनकी कंस्ट्रक्शन, जो डिफरेंस है कि एक दूसरे से कैसे अलग हैं। दोनों में एक ही कंपोनेंट कॉमन है, वो है स्पार्क प्लग। तो बात करते हैं कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे इनको डिफरेंस इनके बीच में बताया गया है। बैटरी इग्निशन सिस्टम, इसमें करंट प्राइमरी सर्किट के लिए बैटरी से प्राप्त किया जाता है। लेकिन मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, जबकि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में मैग्नेटो की द्वारा करंट पैदा किया जाता है या इलेक्ट्रिक जनरेट सर्किट को जनरेट किया जाता है। बैटरी इग्निशन सिस्टम कम स्पीड पर भी बढ़िया स्पार्किंग यहाँ मिलती है स्पार्क प्लग पर, जबकि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम इंजन स्टार्टिंग के समय या फिर कम लो स्पीड पर पुअर स्पार्किंग मिलती है। इस केस में इंजन की स्टार्टिंग आसानी से हो जाती है और यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। अगर बैटरी डिस्चार्ज मतलब ख़त्म हो जाए तो इंजन को स्टार्ट नहीं कर सकते, बैटरी को फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि इसमें बैटरी का इस्तेमाल नहीं करते। बैटरी इग्निशन सिस्टम के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम इसके लिए कम स्पेस चाहिए क्योंकि इसका साइज़ कम्पैक्ट होता है। बैटरी इग्निशन सिस्टम में वायरिंग बहुत ज़्यादा होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में सिंपल वायरिंग होती है। इसकी कॉस्ट कम होती है और इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। अगर इंजन स्पीड बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में स्पार्क इंटेंसिटी भी कम होने लगती है और एफिशिएंसी भी कम हो जाती है बैटरी इग्निशन सिस्टम में। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में इंजन स्पीड बढ़ने पर हाई स्पार्क इंटेंसिटी मिलती है और सिस्टम की एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाती है। बैटरी इग्निशन सिस्टम में स्पार्क प्लग पर स्पार्क जनरेट करने के लिए बैटरी और इग्निशन कोयल का प्रयोग करते हैं, जबकि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में आवश्यकता अनुसार स्पार्क या एनर्जी इसके अपने जनरेटर के द्वारा जनरेट की जाती है। बैटरी इग्निशन सिस्टम में बैटरी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। इस केस में बैटरी का प्रयोग ना होने के कारण ऐसी किसी प्रकार की मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैटरी इग्निशन सिस्टम, इसमें स्पार्क स्ट्रेंथ इंजन की स्पीड पर निर्भर नहीं करती क्योंकि करंट बैटरी के द्वारा सप्लाई किया जाता है, जबकि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में स्पार्क स्ट्रेंथ इंजन स्पीड पर निर्भर करती है। अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करें, जो बैटरी इग्निशन सिस्टम है इसका प्रयोग कार, बसेस, ट्रक्स या लाइट कमर्शियल व्हीकल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है इसका इस्तेमाल मोटरसाइकिल में, रेसिंग कार में या फिर स्कूटर्स में, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की बैटरी इग्निशन सिस्टम और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और Anuniverse Study को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।